जुबा आपकी। तो महाकवरेज लगातार जारी है बीपी गंगा पर। यमुना एक्सप्रेसवे पर राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की हुई। धक्का मुक्की के बाद राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, अब वो आपको सुनवाते हैं। गेट में हम आपको अभी और 118 सर, मैं बता रहा हूँ सर, 188 वायलेशन ऑफ एनी लॉ विच हैज बीन परमिटेड बाय योर कंपनी अथॉरिटीज। ऐसा है सर, जिलाधिकारी हाथरस का हम लोग के पास पत्र है, लॉ एंड ऑर्डर की दानाशाही का प्लीज शांत रहिए। मैं आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, आप मुझे बताइए किस धारा पे आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, और वो धारा जो है वो आप बड़े वालों को समझाइए क्या है। सबको बताए सर, हम उनको समझा देंगे, हमसे ये बताइए आपने किसके आदेश पर लाठीचार्ज किया? हमारे पर क्या है? हमारे पर क्या है? ये वाल्मीकि नगर की नेता के दिलाई थी राहुल गांधी डिवाइडर का हमारे लोग लाठी हमारे घर का हाथ हाथ का हाथ हाथ टूटा करे करता है हाथ हाथ करता है। और ये गेस्ट हाउस की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां थोड़ी देर पहले यूपी पुलिस लेकर पहुंची है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है, जहां गाड़ी में लेकर स्पेशल व्हीकल से लेकर पहुंची राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को। काफी देर समझाने के बाद भी, निवेदन करने के बाद भी, जब उन्होंने धरना खत्म नहीं की, आगे बढ़ने की कोशिश की, तो उनको अपने साथ लेकर आई है। और यहाँ भी कहा जा रहा है कि अधिकारी उनसे बातचीत की कोशिश करेंगे, उन्हें समझाएंगे कि वो धरना खत्म कर दें, यहाँ से लौट जाएं। अब देखना होगा अब आगे क्या प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई जाती है। लेकिन फिलहाल फॉर्मूला 1 गेस्ट हाउस लेकर आई है यूपी पुलिस कड़ी सुरक्षा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को। इससे पहले यूपी पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई थी राहुल गांधी की, जिसके बाद वो सड़क पर भी गिर गए थे, और कांग्रेस की तरफ से यह दावा किया गया कि उनके हाथ में चोट लगी है। अपने साथ राहुल और प्रियंका गांधी को लेकर पुलिस पहुंच चुकी है फॉर्मूला 1 गेस्ट हाउस। थोड़ी देर में यह देखना होगा कि क्या कार्रवाई यहां से अब आगे की जाती है। और दूसरी तरफ यमुना एक्सप्रेसवे को पुलिस जो है कार्यकर्ताओं को बसों में डालकर वहां से ले जा रही है अपने साथ। बताया जा रहा है कि एक टेम्परेरी जेल थाने के अंदर बनवाया गया है, जहां पर इन सभी कार्यकर्ताओं को पुलिस लेकर जाएगी और फिर देखेगी कि किस पर कौन सी धारा लगानी है। यदि कोई गैर जमानती धारा है तो उसको थाने से जमानत नहीं मिलेगी, लेकिन बाकी लोगों को थाने से जमानत दी जा सकती है। दूसरी तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी फॉर्मूला 1 गेस्ट हाउस में है। हालांकि बहुत ज्यादा देर यहां पर रखना दोनों को यूपी पुलिस के लिए काफी सरदर्द भी बन सकता है, क्योंकि इसकी खबर लगने के साथ ही स्थानीय नेता कार्यकर्ता यहां भी इकट्ठा हो सकते हैं, यहां भी चहल पहल गहमा गहमी बढ़ सकती है। और हाथरस केस में बहुत बड़ी खबर, पीड़ित परिवार को